दादरानगर हवेली संकलित बाल विकास योजना द्वारा संचालित आंगणवाड़ी और पूरक पोषण आहार केन्द्र मिनी आंगणवाड़ी कलुंडा धाधरपाड़ा खाते कुपोषण अटकाववा माटे आंगणवाड़ी बाळकोने अने गामनी सगर्भा महिलाओने मशरूम वितरण करवामां आवी रह्या छे। बाळ विकास अने योजना अधिकारी नम्रता परमरना जणाव्या अनुसार आंगणवाड़ी वर्करोनुं कार्य बाळकोने न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटसनी मॉनिटरिंग करवानुं, केवी रीते खावा पीवानी आदत छे तेनो अभ्यास करी खास ध्यान राखवानुं तेमज बाळकोमां कुपोषणनुं प्रमाण जोवा मळे तो तेओने योग्य मार्गदर्शन आपवानुं छे। નમસ્તે, મારું નામ જયશ્રીએલ ગામિત અને હું સિલી કાપરિયાપાડા આંગણવાડી પર જોબ કરું છું। મને ગયા વર્ષે ટ્રેનિંગ રૂરલ દેનાબેક દ્વારા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી અને આ વર્ષે હું મારા બધા આંગણવાડી દીદીઓને ટ્રેનિંગ આપી છે અને આજે અમે અહીંયા ટ્રેનિંગ કરીને અમે અહીંયા મશરૂમ ઉગાડી છે તો અમે આ મશરૂમ કમસે કમ થોડાક 24 તારીખે જેવી અમે આ મશરૂમ ભરેલી અને આજે અમે આ બીજી વખત મશરૂમ ખાઈ છે અને પહેલી વખતે અમે સેમના છોકરાઓને અમે મશરૂમ આપી છે અને આ બીજી વખત અમે આપી છે મશરૂમ। હા, મશરૂમ દ્વારા ઘણો બધો ફેર મળે છે, છોકરાઓમાં વજન વધે છે, એ લોકોની ઇમ્યુનિટી પાવરમાં વધારો થાય છે અને છોકરાઓ માટે કે બધા માટે જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારી છે। આ ટ્રેનિંગ દ્વારા અમે શીખીને અમે અમારી નોકરી પણ કરી શકીએ અને સાઈડ બિઝનેસ પણ કરી શકીએ છીએ અને છોકરાઓ માટે અમે એક સારું એવું કામ કર્યું છે કે અમે છોકરાઓને મદદરૂપ બની શક્યા છીએ અને એના સ્વાસ્થ્યમાં અમે સુધાર લાવી શકીએ એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને આ મશરૂમ ટ્રેનિંગ દ્વારા અમે આંગણવાડી દીદીઓ આગળ પણ એવું કાર્ય કરીશું અને અમારા છોકરાઓ જે સેમ છે, નબળા છે છોકરાઓ, એમને અમે આપીશું અને એમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર લાવવાની કોશિશ કરીશું। નમસ્કાર, અમે આજે આંગણવાડીમાં મશરૂમ લેવા આવેલા છે, અમને અમારા છોકરા લોકોને મહામારીના હિસાબે મશરૂમ આપે, અઠવાડિયામાં મહિનામાં બે વખત આપે, એ પછી છોકરા લોકોને અમે ખવડાવીએ, એટલે બહુ જ સારી વાત કહેવાય, પ્રશાસનના આભાર માનીએ અમે। અમારા છોકરા માટે અમારા ઘરે તો કંઈક થોડું ઘણું ખવડાવીએ, મતલબ ને એવું કોઈને લવાય નહીં લવાય, એટલે આંગણવાડીમાંથી સારામાં સારું આપે એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। आज हमारा विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी सर्विसेज का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों का न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना और उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुपोषण के कई कारण होते हैं, उनमें से एक मुख्य कारण है कि हमारे बच्चों को संतुलित आधार बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। तो हम लोग, हमारा पूरा विभाग इस पर कटिबद्ध है कि किस तरीके से हम लोगों को जो उनका खाने पीने का हैबिट है उसको हम उनको इम्प्रूव कराएँ, उसी को इम्प्रोवाइज़ कराएँ। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग का जो मेन खाना है चावल और दाल होता है और वेजिटेबल इंटेक बहुत कम है, तो लोगों में वेजिटेबल खाने की आदत को इनकल्केट करने के लिए हम लोग हर आंगनवाड़ी में न्यूट्री गार्डन डेवलप कर रहे हैं, पोषण वाटिका डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि जो लोकल फ्रूट्स है लाइक बनाना, पपाया, जैक फ्रूट, आंवला, मीठी नीम की पत्ती सब लगा रहे हैं, पालक मेथी सब लगा रहे हैं, जिसे हमारी आंगनवाड़ी दीदी मतलब आंगनवाड़ी में उगा के उसको बच्चों को खिलाती हैं, जिससे बच्चे अपने घर पर भी जाके वो सब खाना इजीली खा सकते हैं। सेकंड, जैसे हम जानते हैं कि मशरूम जो है बहुत ही इजीली कल्टीवेट हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ डेवलप करना नहीं होता और उसके जो गुणवत्ता बहुत है, इसके लिए हम लोगों ने मशरूम कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग मांदोनी में 8 लोकेशन, अम्बोली में 8 लोकेशन, देन रांधा, खिलौनी, खानवेल और दपाड़ा, इन लोकेशन में हम लोग कम से कम 20 जगह मशरूम कल्टीवेट कर रहे हैं। और ये मशरूम, क्योंकि आंगनवाड़ी बंद है, ये मशरूम हम लोग सैम बच्चे, कुपोषित बच्चे या प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर को दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि सफलतापूर्वक हो गया है और इसकी रेसिपी भी हम लोगों ने किस तरीके से बनाते हैं बताया है। हमारी कांताबेन CDP है, उन्होंने भी एक वीडियो जाए, मतलब हमने इनका एक वीडियो बनाया है कांताबेन की पौष्टिक रसोई, और हमारी आंगनवाड़ी दीदी भी किस तरीके से मशरूम को खाया जा सकता है, किस तरीके से उसको व्यंजन में डाल के ज़्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है, ये सब हम जानकारी देने के बाद जब हमने देखा कि लोग मशरूम बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, तो अभी हम लोग 47 न्यू लोकेशन में मशरूम करने वाले हैं। कितनी आंगनवाड़ी को ट्रेनिंग दिया है अभी तक? हम लोग ने अभी 4 सिर्फ हमारे जैसे मांदोनी, देन मांदोनी, अम्बोली, खानवेल, दपाड़ा, रांधा, किलोनी में हम ट्रेनिंग दे लिए हैं, और बाकी यही आंगनवाड़ी वर्कर हमारी जो है वो बाकी जो पटेला थे उनमें ट्रेनिंग देंगी और हम लोग 47 लोकेशंस पर ये करेंगे, पूरा दादरा नगर हवेली हम कवर करेंगे।